कभी तो अपने बच्चों को बहलाती फुसलाती नजर आती है, तो कभी रमन को सीधे धक्का ही मार देती है, और अब तो हद हो गई। अरे इशिता ने हम पर ही हमला कर दिया, अब क्या होगा आगे? जिसने जन्म दिया उसी की जान लेने को बेकाबू हो गई इशिता। जिन हाथों को पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों से मां माधवी का गला दबाया। शगुन की आत्मा इशिता के अंदर घुसकर उसे कतरा कतरा निचोड़ रही है। दिन जवान भी उनके लिए बहुत कम पड़ रहे हैं एक्चुअली में, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हैं, बड़ी खतरनाक हो गई भाभी। उनका रूप देख के तो मतलब एकदम सबकी बजी पड़ी है एक्चुअली में, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि ऐसा रूप देखना उनका जो एकदम शांत और जगत माता जैसे कि सब बोलते हैं उनको, तो इतनी खतरनाक होगी कि मतलब सीरियसली बताऊँ तो कभी कभी बीच शूटिंग में भी, जब मैं फर्स्ट डे इसका शूट करता था, जैसे वो एक्टिंग करी थी ना, तो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा करके उठ रही थी, मैं तो शॉट में डर गया था, मैं बाहर आ गया 2 मिनट के लिए। आप ही नहीं रोमी, आजकल तो दर्शक भी इशिता की इस अदा से डर रहे हैं। मैडम एकदम ओरिजिनल भूतहा एक्टिंग कर रही हैं। शो करने की पावर बहुत है, जब एक इंसान में एक आत्मा या भूत आ जाती है तो बहुत पावर होती है। ना माँ पर हमला करने के बाद आप तीनों को कितने पापड़ बेलने पड़े, बड़ी मुश्किल से इशिता के गले में दिव्यांग को काफी चोटें लगी हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है ना, हम मतलब उनको खींच रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा पेन शेन हो रही है। बहू नंबर 1 की एक्टिंग का तो पूरा जमाना दीवाना है, ऐसे में चोटों के साथ एक्टिंग करना तो वाकई इंस्पिरेशनल है। वैसे इस बूढ़ा ड्रामे के बीच आपकी हंसी ठिठोली भी कम नहीं, क्या रमन क्या आप ही मौका मिलता है हंसी के साथ हंगामा करते हैं। फन भी है, हंसी मजाक भी है, बट कहानी ये ऐसा भूत। आप आदत डाल लीजिए, दर्शकों ने तो डाल भी ली है। इंडिया टीवी के लिए मुंबई से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।